हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज आपके पास फिर से मैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ है CMA पूजा मिश्रा। एंड पूजा बेसिकली बिहार से बिलोंग करती है। एंड पूजा अभी रिसेंटली CMA क्वालिफाइड की है एंड कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है। कोलकाता कैंपस प्लेसमेंट में RSM इनकी जॉब लगी है। सीनियर ऑफिसर ऑडिट का जॉब रोल इनको मिला है। सो सुनते हैं पूजा की स्टोरी एंड होप सो कि ये स्टोरी आप सबको बहुत मोटिवेशन दे। एंड हाय पूजा, हाउ आर यू? हेलो भैया, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? या आई एम डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म एंड आई फॉर शेयर योर जर्नी आल्सो। सो पूजा, अभी आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ, राइट? आप CMA क्वालिफाई भी की हो, तो अभी आपने अपनी लिस्ट बना ली होगी कि आपको क्या क्या ड्रीम्स फुलफिल करनी है। भैया लिस्ट तो मैंने पहले ही बना ली थी, बस अभी कंप्लीट करनी है। ओह माय गॉड, ग्रेट ग्रेट। सो पूजा, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी का, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन हमेशा होता है कि आपने कॉमर्स को क्यों चूज किया, बिकॉज लाइक अगर मैं बिहार से बात करूं, अगर आपके पेरेंट्स भी बिहार से हैं, तो बेसिकली हम वहां पे साइंस और अदर स्ट्रीम्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंस्टेंट ऑफ कॉमर्स। सो आपने कॉमर्स को क्यों चूज किया? तो भैया मैं आपको सच बताऊं तो 10th के बाद मेरा भी मन था कि मैं पहले साइंस ही लूं। मेरा इंटरेस्ट था नहीं कॉमर्स को लेके, पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कॉमर्स लूं, तो उन्होंने मुझे कॉमर्स दिलवाया, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। पर 2-3 महीना मेरा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट तो नहीं था कॉमर्स में, पर धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हो गया और मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट भी आने लग गया। तो बेसिकली भैया मैंने मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ मैंने कोलकाता से किया है, तो फिर मैंने वहाँ पे मैंने अपनी 12th कम्प्लीट की कॉमर्स से ही, और इंटरेस्ट भी आ गया धीरे धीरे। सो पूजा, आप मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे या फिर आपने शुरू से इंग्लिश मीडियम से आपने कंटिन्यू किया था? मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ी हूँ। ओके गुड। सो आपने आफ्टर 12th CMA ज्वाइन किया या फिर पहले आपने ग्रेजुएशन के लिए आप गए थे? मैं बताऊं तो मैंने 12th के बाद पहले तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन पे फोकस किया। मैंने ये सोचा कि पहले मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, क्योंकि मेरे को प्रोफेशनल कोर्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स ही करना है। मुझे बस इतना था कि बीकॉम ऑनर्स कर लूं और मास्टर्स कर लूं, बस इतना ही था। ओके, सो ये दिमाग में CMA करने का कॉन्सेप्ट कहां से आया आपके पास? 11th में ना मुझे पता चल गया था, क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि पापा को किया था मेनली कि अपनी बेटी से कॉस्ट अकाउंटेंसी कोर्स करवाओ, वो बहुत सही कोर्स है और वो कर भी जाएगी। तो पापा ने मुझे आके बोला कि तुम कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओ और बहुत सही रहेगा तुम्हारे करियर ग्रोथ के लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझसे ये होगा नहीं, ये बहुत टफ कोर्स है और पासिंग परसेंटेज इतनी कम होती है और मैं इतने कम परसेंटेज में आ नहीं पाऊंगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे 11th से ही पता था कि CMA क्या है। तो मैंने 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सडनली मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ, जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ग्रेजुएशन टाइम पे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो सारे बच्चे जो मेरे साथ के फ्रेंड्स थे या कॉलेज के फ्रेंड्स बने, कोई फाउंडेशन दे रहा था, कोई इंटरमीडिएट दे रहा था, और मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं इसमें एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्राई किया मैंने CMA को। ग्रेट ग्रेट। सो जब आप CMA कोर्स में आए, तो स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस कुछ फेस करना पड़ा था आपको या नहीं? बिल्कुल मुझे चैलेंजेस करने पड़े थे। ऑनेस्टली बताऊं तो क्या हुआ कि मैं ग्रेजुएशन के रिजल्ट के बाद मैंने अपना CMA स्टार्ट किया था। तो मतलब मेरा अगस्त से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी, और अगस्त में ही मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था अपना। तो हुआ ये, कोचिंग में गई थी, तो आप जानते होंगे कि अगस्त के टाइम पे तो रिवीजन शुरू होता है बच्चों के, और उस टाइम पे मेरा सिलेबस जीरो था, मैंने कुछ किया ही नहीं था। जब मैं कोचिंग गई तो मेरी फर्स्ट कोचिंग है कॉस्टिंग की थी, जब मैं वहां गई तो बच्चों ने दूसरी कोचिंग में जाने की डेमो क्लास लेने के लिए लॉ की, तो कॉस्टिंग में बच्चों ने डरा दिया मुझे और लॉ में भी डरा दिया, अरे तुम अभी आई हो, दिसंबर अटेम्प्ट देना तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो तुम जून दे दो। तो मैं भी डर गई, मम्मी मतलब बाहर चलते मैंने ना मम्मी को फोन किया कि मम्मी ये तो हो नहीं पाएगा मुझसे, मैं जून में एग्जाम दूंगी, जून 20 में, दिसंबर 19 मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दे पाना। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम मत दो। फिर सडनली मैंने क्या हुआ कि जब मैंने टैक्स की क्लासेस के लिए डेमो क्लासेस लेने गई, तो वहाँ जो सर थे मेरे वो बहुत मोटिवेट करते थे मुझे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बोला था किसने कहा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ट्राई करो।
तो मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत मेहनत किया और मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे एग्जेम्पशंस के साथ मेरा सीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया ग्रुप वन। ओके ग्रेट ग्रेट, ग्रुप वन फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ क्लियर हुआ। देन आपका ग्रुप टू का टारगेट था, तो उसमें भी यही टारगेट रहा कि आप फर्स्ट फिर अटेम्प्ट में ग्रुप टू ग्रुप क्लियर करना टू, है। हाँ यही टारगेट, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या हुआ कि ग्रुप टू के लिए मैंने क्या किया कि मेरा टारगेट था कि जून 20 में मुझे ग्रुप टू देना है। फिर तो मार्च में कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, और उसके बाद जो हमारे एग्जाम्स थे वो दिसंबर के साथ मर्ज कर दिया गया। तो मुझे टाइम बहुत अच्छा खासा मिल गया और मैंने काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किया मैंने ग्रुप टू में। पूजा, आपकी स्ट्रेटजीज क्या रहती थी पढ़ाई के टाइम में? बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, तो बेसिकली आपका फोकस एरिया किस तरीके से रहता था, कितने टाइम्स का रिवीजन का रहता था? भैया मैं आपको जनरली बात बताऊं ना, तो बच्चे क्या करते हैं ना, जो बाकी बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं ना कि स्टडी मैट को वो फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक ये होता है कि वो स्टडी मैट को फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरा चीज ये कि जो आपका सिलेबस है ना, आप ये सोचो कि आप पूरा सिलेबस कवर कर जाओ तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। आप ये देखो कि वेटेज कैसा है, जैसे तुम्हारा मेन सब चैप्टर्स कौन कौन से, मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, हमारे में बजटरी हो गए, मेन सब चैप्टर्स हैं, बच्चे स्टैंडर्ड छोड़ के चले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। और एग्जाम से मैं जो स्ट्रैटेजी अपनाती थी कि मुझे एग्जाम से 1.5 months पहले मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए और मैं पूरा पूरी रिवाइज कर सकूं। तो मैं 1.5 महीने पहले तक, मतलब मेरा था कि 2 महीने पहले तक तो मेरा टारगेट रहता था कि सिलेबस कंप्लीट कर दूं, बट ज्यादा से ज्यादा होता था तो 1.5 महीने पहले तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था और मैं 1.5 महीने सिर्फ रिवाइज करती थी और कोई न्यू टॉपिक पे हाथ नहीं डालती थी, सिर्फ रिविजन करती थी। और मैं क्या करती थी, एक एक हफ्ते अलॉट कर देती थी कि इस सब्जेक्ट को एक हफ्ते, और एंड में फिर दो दो दिन तीन तीन दिन करके मैं सारा आरटीपी एमटीपी और ईयर वाइज के क्वेश्चन मैं करके जाती थी, और स्टडी मैट के क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल करके जाती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट आपने इंटर्नशिप कैसे अपनी कंप्लीट की? मैंने इंटरमीडिएट अपना एग्जाम्स दे दिया, जनवरी 21 में मेरे एग्जाम्स हुए। तो मेरा मुझे था कि मुझे जल्द से जल्द ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने क्या किया कि मेरा एक ट्रेनिंग इमर्ज ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो वहाँ मुझे 10 डेज के अंदर से ही ऑफर आ गया कि आप आ जाओ। तो मैंने फिर 1 फरवरी से वहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे काम सिखाया गया और उसके बाद ये था कि मतलब बहुत एक्सपोजर मिला मुझे वहाँ पे। मेरे एक सर है सीए प्रिंस जैन है, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया मेनली मैं बताऊँ तो, और मुझे मतलब बहुत अच्छा काम सिखाया। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुए वहाँ पे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि आप इंटरमीडिएट तक आप एक घर में रहते हो, बच्चों से मिलते हो, लेकिन सडनली आप इस घर से आप ऑफिस चले जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत मैटर करता है उस टाइम पे। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा ऑफिस से बिल्ड हुआ, कैसे बैठते हैं, कैसे ऑफिस में रहते हैं, ये सारी चीजें मैं सीखी वहां पे। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब मैंने 2 months हुआ था ट्रेनिंग को, तो मुझे एक स्कीम दी गई थी कि पूजा आप ये हैंडल करो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जितने भी इम्प्लॉयज थे ना, वो मुझे ये बोलते थे, अरे यार तुम तो कॉस्ट अकाउंटेंट वाली पढ़ाई कर रही हो और तुम ये स्कीम संभाल रही हो, ये तुम्हें तो करियर ग्रोथ में कुछ काम ही नहीं आएगा। और तो मैं डिमोटिवेट हो गई और मैं जाके अपने सर को बोली, जो मेरे सर थे मेंटर थे, मैंने उनको बोला कि सर आप मतलब कैसी टास्क दे रहे हो आप मुझे, इसका कोई ग्रोथ नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूजा एक बार देखो, तो आप देखो इसमें लर्निंग है, आप ट्राई तो करो। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो आरएसएम हो, कोई भी ऐसी कंपनी थी ना जो वो मुझे वो पार्ट नहीं पूछती थी कि वो क्या इस स्कीम थी और क्या इसमें आपने इंप्रूवमेंट किया था। और उसी स्कीम की वजह से मुझे लगता है कि मैंने आधा से ज्यादा अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, क्योंकि वो इम्प्रेस हो जा रहे थे वो स्कीम सुनने के बाद, अट्रैक्ट हो जाते थे, क्या है ये स्कीम, कैसे सेल बूस्ट हुआ, ये सारी चीजें थी। ग्रेट। सो पूजा, आपके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हें सीएमए फॉर्म में जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर कॉर्पोरेट के साइड मूव करना चाहिए? देखिए भाई, ये सब ना टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है कि इसको कहाँ जाना है। मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे कॉर्पोरेट ही जाना है और मुझे जो कंपनी मिली ना वो बहुत अच्छी थी, तो मुझे वहां से एक्सपोजर अच्छा मिल गया था, मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स वहां पे मिले थे। जैसे मैं वहां पे पढ़ाई कर पाती थी, उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया था कि आप पढ़ाई कर सकते हो और मुझे मतलब अपना काम कंप्लीट करो और पढ़ाई कर सकते हो, तो ये सारे बेनिफिट्स मुझे मेरे ऑफिस में मिला था। कॉर्पोरेट और फर्म में ये बेनिफिट है कि कॉर्पोरेट में आपका एक टाइम शेड्यूल है कि हाँ आप 9 बजे आ रहे हो, 5:30 बजे जा सकते हो। फर्म में ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको ऑडिट पे भी जाना पड़ सकता है, आपके टाइम ज्यादा देना पड़ सकता है फर्म में, तो फर्म मैंने इसीलिए कभी ज्वाइन ही नहीं किया।
तो मेरा शुरू से था कि मुझे कॉर्पोरेट ही करना है। सो आपने अपने इंटर्नशिप के साथ आप अपने फाइनल की स्टडीज आपने मैनेज किया राइट? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सो आपने फाइनल फिर बोथ ग्रुप के लिए गए थे या सिंगल सिंगल ग्रुप करके आपने फाइनल दिया? नहीं नहीं मैं सिंगल सिंगल ही गई थी। ओके सो फिर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताओ कि आपका सिंगल सिंगल ग्रुप और कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम या क्या हुआ उसमें? तो हुआ ये कि जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो मार्च 21 में मेरी रिजल्ट आए, तो मैंने मैंने मैं तो देखी कि भाई पास हो गए चलो सीएमए फाइनलिस्ट बन गए, तो 2 महीने तो चलो खुशी में थे कि सीएमए फाइनलिस्ट बन गए, चलो लगा आधी जंग जीत गए। फिर धीरे धीरे लगा रहे नहीं इसमें करके क्या, जब तक आप सीएमए नहीं बनते हो। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने कोचिंग लिए अपने ग्रुप 3 के, और उसके बाद मैं क्या करती कि मेरे ऑफिस जो था वो 9 बजे से स्टार्ट होता था, तो मैं क्या करती थी कि मैं 8 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाती थी और 8 से 10 तक मैं पहले एक क्लास 1.5 के स्पीड पे मैं चलाती थी और 10 बजे तक मैं क्लास कर लेती थी। तब तक सारे एम्प्लॉयज धीरे धीरे आते रहते थे, अपना काम करते, तो उतना उन्हें ध्यान नहीं लगता था कर क्या रही है, तो एक क्लास में निपटा लेती थी। उसके बाद फिर मैं क्या करती, जो भी मेरे टास्क होते वो मैं कंप्लीट करती, और उसके बाद हमारा लंच होता था 1 बजे का, तो मैं फटाफट ना 5 मिनट पहले चली जाती लंच करने के लिए, फिर मैं 5-10 मिनट में लंच करके फिर से क्लास करने आ जाती। तो उस टाइम पे सारे एम्प्लॉयज लंच करने जाते तो मैं दूसरी क्लास भी कर लिया करती, तो ऐसे करके मैं क्लास कर लिया करती थी और घर आके फिर मैं उसका रिवीजन करती थी। इससे क्या होता था कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ, रिवीजन भी हो जाता था। उसके बाद फिर मैंने जून 22 मैंने अपना ग्रुप 3 का पेपर लिखा, और उसके बाद उसका रिजल्ट सितंबर में आया। हाँ तो सितंबर में आने के बाद फिर मैंने अपने ग्रुप 4 में कोई कोचिंग नहीं ली थी CFR को छोड़ के, उसको बाकी सब मैंने सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी से मेरा दिसंबर 22 में मैंने अपना लास्ट ग्रुप लिखा और उसके बाद पास हो गई और CMA बन गई 21 मार्च को। ओके ग्रेट। सो जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन क्या खुशी का क्या लेवल था? बिकॉज इंटर फाइनल सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। पहली बताओ तो पूरे दिन तो बहुत नर्वस थी, बहुत ज्यादा नर्वस थी, और एक हफ्ते पहले से ही थी, तो मैं तो एक दिन बैठ के इतना रो रही थी कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, पास होंगी नहीं होंगी, क्या होगा मेरा। तो मेरी सिस्टर और जो मेरी फैमिली ना बहुत सपोर्टिव है, तो मैं ना उनका दिमाग खा जाती थी कि मेरा क्या होगा, पास होंगी नहीं होंगी, तो बोलते थे जरूर होगी, तुम नहीं होगी तो कौन होगा, वो हमेशा ऐसे मुझे मोटिवेट करते हैं। तो फिर मैं जिस दिन मेरा रिजल्ट था तो मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्या करूं, फोन चलाने का मन कर रहा ना कुछ। फिर सडन अब क्या हो रहा था कि ट्विटर पे इतने सारे ट्वीट्स आ रहे थे कब रिजल्ट आएगा, कितने बजे आएगा, टाइमिंग तो हमें पता नहीं थी, लेट इवनिंग में शायद फिर आया। मैं जैसे रिजल्ट खोला, जैसे लिंक आया तो हार्ट बीट तो बढ़ी जाती है, आप भी फील कर सकते होगे जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ गई। और फिर जब मैंने देखा कि मैं क्वालिफाइड हूँ तो मैंने देखा चलो भाई बन गए CMA। सो आफ्टर क्वालिफाइंग CMA और टिल कैंपस आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब आपने किस तरीके से स्टडी किया कैंपस के लिए? तो भैया मैं बताऊँ, जब मेरे रिजल्ट आने में 5 या 6 दिन थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड एक योगिता है जो आपके आपसे एक क्लास लिया है, तो मैंने और योगिता ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं यार, हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं कि कैंपस में कैसे बैठते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कोर्स ले लेते हैं कोई। तो मैंने बोला ठीक है, तो हमने कोर्स रिसर्च करना शुरू किया। तो मैंने आपका कोर्स ना लिंक्डइन पे देखा था, तो मैंने उसको बताया योगिता को, यार रोहन सर है एक, वो ना मतलब लिंक्डइन पे इंटरव्यू मास्टरी कोर्स कराते हैं, काम करते हैं उनसे क्लासेस ले लेते हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने बोला अभी तो मैं नहीं लूंगी, पहले मैं रिजल्ट देखूंगी, अगर रिजल्ट क्वालिफाइड रहा तो ही मैं लूंगी। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर जैसे रिजल्ट क्वालिफाइड है, तो आपको याद हो मैंने आपको कॉल किया था कि भैया बताओ मेरे कैंपस से होगा तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगी। तो आपको मैंने शायद 15-20 मिनट आपका भी दिमाग खाया था, आपको याद हो तो। याद है। एक्चुअली जितने भी बच्चे आए थे सारे बच्चे नर्वस थे कैंपस को लेके, बट इनफैक्ट आप सबको पता है आप सबका कैंपस हो गया आखिर सब। हाँ जितने जितने ज्वाइन किया हमारे साथ, जितने भी हम टीम में थे सारे के सारे का सिलेक्शन हो गया, सबके अच्छे ही जगह हुआ, किसी का ऐसा नहीं था कि किसी का भी बेकार हुआ, ऐसा नहीं, सबका अच्छे जगह हुआ। सो पूजा अच्छे हुआ सबका। लाइक जो मैंने आपको प्रिपरेशन करवाए थे कैंपस के रिगार्डिंग, क्या वो वर्थफुल थे आपके लिए? भैया ये वर्थ वर्ड नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा अच्छे थे अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि आपका आपने जितना मतलब मेहनत किया ना, एक मतलब जो आपने फीस रखा था नॉमिनल फीस, उससे कंपैरिजन में जो आपने सर्विस दी ना भैया, वो कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं, मैं तो एकदम चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि
एक तो आपने सारा बताया कि कैसे सीवी, मेरा सीवी आपने शायद 3 घंटे में मेरा बना के आपने दिया था। मैंने तो कह रही थी मैं तो नहीं बना रही, आप बना के दो, आपको याद हो तो, कि मेरे से नहीं बन रहा आप बना के दो। तो आप या, मतलब मुझे याद है तुम्हारा और प्रोसनजीत का, दोनों का सीवी का मैंने, दोनों का सीवी मैंने बनाया था। हाँ, तो ना हमसे सीवी बन रहा था, तो आपने मतलब इतना किया कि आपने सीवी बना दिया हमारा। उसके बाद जो वो 1 मंथ का जीडी सेशन था, वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जैसे आईटीसी का जब मैंने जीडी दिया या फिर बाकी भी मैं जीडी दिया, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस तो अंदर में था कि जीडी तो क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस था। जैसे पहले ये कॉन्फिडेंस नहीं था जब मैंने आपका कोर्स लिया था, इसके पहले तो नहीं था, कि मुझे डर लगता था बाबा ग्रुप डिस्कशन में इतने सारे बच्चे होंगे कैसे बीच करूंगी। लेकिन मतलब इतने सारे जीडी सेशन होने की वजह से ये क्या हो गया था, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि हाँ भाई तो जीडी तो क्रैक कर लेंगे। राइट, सो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी काफी कम हुई थी कुछ रीजन से, ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताओ आपकी कितनी कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी? मेरे 5 कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, और आई थिंक मैंने एक गलती कर दिया था कि मैंने कोलकाता कैंपस चूज कर लिया था। मुझे दिल्ली कैंपस चूज करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में कंपनी ज्यादा आई थी और कोलकाता में तो आपने देखा ही था कोई कंपनी ही नहीं आई थी। राइट, मतलब पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि इतनी कम कंपनियां यहाँ पे आई थी। कोलकाता कैंपस तो में आई थी। मेरी 5 कंपनियों में, हाँ मेरी 5 कंपनियों में कैंपस में आया थी शॉर्टलिस्टिंग, जिसमें एक आईटीसी था, एक आरएसएम था, एक आईटीसी थी, एक एक आरएसएम था, और जीएसटी एक और सुविधा। भी, हाँ और एक और भी 2-3 थी, उतने याद नहीं आ हाँ रहा मुझे, एक क्योंकि दो मैंने वो, ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट राइट होकर, राइट 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 फर्स्ट हुआ था कि मुझे आरएसएम का ही था। हाँ अच्छा, कैंपस से दो मैंने दिन तो पहले। फर्स्ट डे से ही कह रही थी। हाँ या हाँ 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 बोलो आप। मैं तो कह रही थी कि मैंने तो आपको 2 दिन पहले से कह रही थी कि मुझे जाना है तो आरएसएम में जाना, अगर आपको याद हो तो। आप कह रहे तुम्हें आईटीसी आया है, तुम आरएसएम जाना चाहती हो। शुरू या से मुझे आरएसएम ही जाना था, क्योंकि डेफिनेटली इसकी प्रोफाइल मुझे बहुत पसंद आई थी। नहीं, देखो मैंने तुम्हें आईटीसी बोला था, बट तुम्हारा आईटीसी का आई थिंक रिटन टेस्ट भी हुआ था आईटीसी में। हाँ रिटेन टेस्ट आईटीसी भी हुआ था, टी ग्रुप एन डिस्कशन डी भी एम हुआ था ना, था, आईटीसी टी एन डी एम था, टीएमएनडी राइट? था, ओके, टीएमएनडी। हाँ सो तुमने रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया, राइट? हाँ 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 जीडी भी क्लियर किया, हाँ जीडी भी क्लियर कर लिया दो था, राउंड ऑफ इंटरव्यू भी क्लियर किया, वो भी क्लियर हो गया था। हाँ 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 तुमने सब कुछ क्लियर कर लिया। अब वहां पे उनकी हाँ टेक्निकल ग्लिच आ गई, जो भी हुआ वो हाँ इंस्टीट्यूट और हाँ कैंपस में जो कॉर्पोरेट है उन दोनों के बीच की बात है, वो हमें नहीं पता, बट वो कंपनी नहीं चली गई, वो हम, उसमें हाँ किसी को भी नहीं लेके गई। बट जब तुमने इतने हाँ सारा हाँ क्लियर किया तो मैं भी अपने जगह पे सही था कि तुम्हारा उसमें हो जाता, अगर एक बच्चे को भी लेके जाती ना तो तुम ही होती हो, ठीक है? हाँ हाँ ये बता भैया, मैं आपको बात बताऊं, जब वहाँ ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, तो जब मेरे मेरे साथ के जो 10 बच्चे थे अप्रोक्स मेरे साथ में, तो सारे बच्चों ने डिक्लेयर कर दिया कि एक सीट तो इसकी है। मतलब इतने वो लोग कॉन्फिडेंट थे, मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह वहाँ जीडी में देखा था उन्होंने, तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया था एक सीट तो तुम्हारी पक्की है। तो जीडी का जब रिजल्ट भी नहीं आया था, तो भी कहते तुम तो इन है भाई, तुम तो पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर, तुम तो इन है। तो मैंने बोला इतनी ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं हो नहीं सकती, और उतना उतना तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है ही नहीं कि भैया क्लियर हो जाए या जो भी है। पर जो भी था, मुझे तो शुरू से आरएसएम ही जाना था, मैंने आपको तो स्टार्टिंग से कह रही थी कि मुझे या तो आरएसएम डेफिनेटली। जाना, आपको याद हो तो। हाँ सो इंटरव्यू से तुम 2 दिन पहले तक भी नर्वस थी, तो याद है हमने लास्ट 2 दिन में 2-3 मॉक इंटरव्यूज किए थे आपस में? बहुत ज्यादा भैया, 3 नहीं 4 किए थे हमने, ओके, क्योंकि मैं मुझे बहुत एग्जैक्टली ज्यादा याद नहीं नर्वस है। थी। या आपको एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मुझे याद है आपने 1.5 घंटा का मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, और मेरा सच बताऊं ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था बिल्कुल। जो मेरा जहाँ पे मेरी चूक हो जा रही थी, कि मैं जहाँ भूल जा रही थी चीजें, वो चीजें मतलब वो पार्ट मेरा ना टैकल कर पा रही थी मैं अच्छे तरीके से। एंड तक तो मैं टैकल कर लिया था, जो मंडे वाला इंटरव्यू हुआ था मॉक या इंटरव्यू डेफिनेटली। वो। सो हाँ देन आपका जब नेक्स्ट डे आपका आरएसएम में था, राइट? फर्स्ट डे आपकी फर्स्ट ओनली वन कंपनी आईटीसी में थी, सेकंड डे आपकी आरएसएम में थी, तो आरएसएम में हाँ। उनका क्या पैटर्न था सिलेक्शन करने का? भैया आरएसएम का था ना कि 2 राउंड के थे, पहला राउंड दूसरा राउंड, और सडनली उन्होंने 3 राउंड कर दिया कि नहीं हम तो 3 राउंड मिलेंगे, तो चलो ठीक है जैसा वो कंपनी चाहेगी। तो फर्स्ट राउंड में क्या था कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, और जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, उन्होंने सडनली मुझसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते करते ही क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, और जी मतलब जीएसटी के क्वेश्चंस और डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस। तो अब आप सोचो कि सडनली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है और सडनली आप पे क्वेश्चन भेजना शुरू कर देते, तो आपको कैसा लगेगा, आप प्रिपेयर ही नहीं थे।
पर मैंने आंसर्स दे दिया, तो वो ऐसा ही टेक्निक अपना रहे थे कि जो जवाब दे दे रहा था उसको टेक्निकल राउंड के लिए वो भेज रहे थे। तो मेरा हो गया, उन्होंने स्टैंडली मुझे बोला कि आप टेक्निकल राउंड के लिए ऊपर चले जाओ। तो थर्ड फ्लोर पे मेरा आरएसएम का हो रहा था इंटरव्यू, तो मैं गई बैठी, फिर अंदर गई। मैं जब अंदर गई तो जैसा आपने मुझे सिखाया था कि ये काम पहले बैठना मत, जाके पहले सीवी देना, उसके बाद जब वो बैठने बोले तो बैठना। तो मैंने वैसे ही किया और मैं बैठी, तो मेरी इंटरव्यू 45 मिनट तक चले थे आरएसएम में। ओके, सो 45 मिनट काफी लंबा इंटरव्यू होता है, इनफैक्ट याद भी नहीं होगा उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, राइट? सो बट हाँ, किस एरिया से उन्होंने टारगेट रखा आपसे क्वेश्चन पूछने का? मेरे साथ क्या हुआ था कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और उसके बाद एक सजेशन, एक जो मैंने ये लिया, एक्सपीरियंस गेन किया है इंटरव्यू देने से कैंपस में, कि 80% आपका जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सीवी से ही आते हैं। आप सबसे पहले मतलब बच्चों को मैं यही गाइड करना चाहूंगी कि सीवी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसा कुछ फेक मत लिखो जो तुम्हें ना आता हो। तो पहले तो मेरे क्वेश्चंस मेरे सीवी से स्टार्ट किया उन्होंने, जो स्कीम के बारे में मैंने आपको बात की थी उसी स्कीम से उन्होंने शुरू किया। फिर मेरे से क्वेश्चंस पूछा कि आपके एमडी कौन है, आपकी कंपनी करती क्या है, कैसी ग्लास बनाती है, कितने मतलब, फिर मैंने एमएम वगैरह जो भी डिटेल थी मेरी कंपनी की वो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ कहाँ प्लांट है, तो मैंने बता दिया कि प्लांट कहाँ कहाँ पे है मेरी। तो मैंने ये बताया कि क्या क्या प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, जैसे मैंने अपने सीवी में लिखा था पे बैक पीरियड के बारे में या रेशियो एनालिसिस के बारे में, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मैंने लिखा था अपने सीवी में, मुझे याद है। तो उन्होंने मुझसे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप पे बैक पीरियड का क्या यूज करते थे। तो मैंने ये बोला था, उसका मैंने ये आंसर दिया था कि मेरी कंपनी है वो मतलब सोलर पैनल का प्लांट लगा रही थी, तो उस प्लांट के लिए बैंक से हमसे मांग रही थी कि पे बैक पीरियड क्या होगा। तो उसकी फॉर्मूलाज पूछा क्या उसकी नीड है, उसके बाद फिर मुझसे IRR के बारे में पूछा, फिर NPV के बारे में पूछा, फिर पूरे रेशियोज पूछा, टोटल आप बताओ तीनों रेशियोज क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, उसके बाद क्या इसका यूज है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद वो लोग मुझसे GST पे आया, तो GST तो उन्होंने हर पार्ट पूछा और विद कंडीशंस, ये चीज था। ITC का पूछा कंडीशन बताओ, ब्लॉकेज क्या है, उसके बाद क्या क्या कंडीशंस है कि आप ITC ले सकते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा, प्लेस ऑफ सप्लाई तक मुझसे पूछा उन्होंने। तो GST उन्होंने मुझसे काफी पूछा, उनका आई थिंक पता नहीं GST का ही ज्यादा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे PGBP पूछा, ये चीज था, 43B पूछा उन्होंने मुझसे। फिर उन्होंने मुझसे अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद एक जनरल एंट्री करने दिया, दो तीन जनरल एंट्री करने दिया कि जनरल एंट्री बताओ इसके क्या होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस तो उन्होंने मुझसे पूछे थे। ओके, देन आफ्टर दैट उसके बाद भी राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ या फिर वहां कंक्लूड? बिल्कुल हुआ था। नहीं, बिल्कुल राउंड हुआ था। तो मुझे ये लगा था कि वही आखिरी राउंड है, क्योंकि 45 मिनट्स इंटरव्यू चल गया, अब क्या। तो उन्होंने मुझे एंड में, सही, मुझे तो लगा कि 45 मिनट्स हो गया, अब क्या, अब तो हो गया इंटरव्यू, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके उनके मुंह से निकला कि ठीक है हम आपको बताते हैं कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग हुई कि नहीं हुई। तो मुझे लगा शायद उनके मुंह से ना गलत वर्ड निकल गया, सिलेक्शन का बोलना होगा उनको, शॉर्टलिस्टिंग बोल दिया। तो फिर मैं जाके अपना जो वेटिंग रूम था उसमें जाके बैठ गई। तब तक मैं 10 मिनट के अंदर इंस्टीट्यूट के मेंबर आए और कहे कि पूजा मिश्रा आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग हो गया है लास्ट राउंड के लिए। तो मैंने बोला अरे बाबा अभी भी लास्ट राउंड है, पता नहीं क्या पूछेंगे ये फिर से। तो फिर मैं वेट किया, तो इन्होंने मुझे इंस्टेंटली बताया कि अभी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ ही नहीं था और ये रिजल्ट ना फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद आना था, पर कंपनी को मैं शायद पसंद आ गई थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे इंस्टेंटली जवाब दे दिया था कि आप किसी और में बैठना मत, आपका हमने फाइनल राउंड के लिए, जैसे मुझे GST सुविधा में भी जाना था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कहीं जाना मत, आप फाइनल राउंड के लिए बैठना। मैंने बोला ठीक है, तो मैं बैठी। तो उन्होंने बोला लंच के बाद होगा, तो मैं लंच हो गया, और लंच के बाद अभी तो कोई खबर नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड चले ही जा रहा था। उस फर्स्ट राउंड से फिर एक और बच्चे को सिलेक्ट किया उन्होंने कि हम एक और बच्चे को लेंगे, उसके बाद फाइनल राउंड और करेंगे। फिर फाइनल राउंड में उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, जैसे मैं अंदर गई उन्होंने मुझे बोला, बैठी और उन्होंने मुझे बोला यू आर सिलेक्टेड। कोई क्वेश्चंस कुछ नहीं थे, क्योंकि बाकी बच्चों ने पसंद ही नहीं आया कोई भी, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। सो आरएसएम का मैं आपसे एग्जैक्ट पैकेज नहीं पूछूंगा, बिकॉज उनका निगोशिएशन था आरएसएम का, तो एक क्या पैकेज रेंज वो ऑफर करते हैं कैंपस में, आप एक जस्ट फॉर आईडिया, 6 to 8 के बीच में। ओके, सो जब वो ऑफर लेटर आपको मिला, आपने ऐसे मुझे ऑफर लेटर ऑलरेडी दिखा दिया था, तो जब आपको ऑफर लेटर मिला तो आपकी खुशी कैसी थी? मैं बताऊं तो पूरे दिन तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, और जब मुझे पता चल गया था कि मैं सिलेक्ट हो गई, और मुझे आरएसएम शुरू से ही चाहिए था, क्योंकि पहला चीज ये था कि लोकेशन मुझे ये कोलकाता चाहिए था, मुझे मेरे घर पे रहना था, मुझे बाहर जाना ही नहीं था।
तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा इसीलिए आरएसएम था क्योंकि इसका लोकेशन मुझे कोलकाता मिल रहा था। तो जैसे मैंने देखा कि बाबा कोलकाता है तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी मेरा ऑफर लेटर, क्योंकि ऑफर लेटर 2 या 3 दिन के बाद आता है, पर मेरा ऑफर लेटर विद इन 30 मिनट्स ही आ गया। जैसे मैं कैंपस से निकली तो मेरा तो 30 मिनट के अंदर ऑफर लेटर आ गया। जब मैंने लोकेशन देखा तो रिलीफ मिला, चलो अच्छी बात है ऑफर लेटर मिल गया। और कोइंसिडेंस ये था कि मेरे पापा के ऑफिस के पास ही मेरा ऑफिस मिला, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो। हाँ अच्छा है, तो अब खुशी है पूरा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट से जॉब मिली और वो भी फर्स्ट फेज से। और मुझे कितना रेटिंग मिलेगा? भैया आपको मैं रेट ही नहीं कर सकती क्योंकि आप रे आप मतलब आपको मैं अगर 10/10 है ना तो मैं 10/10 दूंगी, क्योंकि आपका जो था ना पूरा कोर्स स्ट्रक्चर वो बेस्ट था। और मैं तो बच्चों को ये रिकमेंड भी करूंगी कि मतलब प्लीज इनका कोर्स लो क्योंकि इन्होंने सच में बहुत मेहनत किया है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके जीडी जीडी आप एक राउंड से क्लियर कर ही नहीं सकते, एक बार में जाके बैठ जाओ हो ही नहीं सकता क्लियर। लेकिन आपके सब मतलब हम सारे मिलके जीडी करते थे तो ये सब चीज से कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ जीडी तो क्लियर हो जाएगा। ये एक कॉन्फिडेंस था कि जीडी तो क्लियर होना है। और पीआई भी हल्का हल्का आइडिया लग गया था कि पूछेंगे क्या, ये तो आइडिया लग, इतनी मॉक इंटरव्यूज हो गए थे कि आइडिया तो लग चुका था कि क्या पूछेंगे। या डेफिनेटली। और एक और बात आपने मुझे कहा था, एक और बात आपने मुझसे कही थी कि कभी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव मत बोलना। आपने मुझे ये बात बोली जब आपने वो सीवी वाला क्लास लिया था, तो याद हो आपको? तो आरएसएम वालों ने मुझसे पूछा भी एक क्वेश्चन कि आप तो इतने अच्छे एम्प्लॉई हो तो आपकी कंपनी आपको क्यों नहीं एज ए एम्प्लॉय हायर कर रही है। तो फिर मैंने अब ऐसा सडन पूछा मुझसे, तो मैंने ये जवाब दिया था कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे ये चाहते थे कि मैं अपने करियर में और आगे बढ़ूं, इसलिए उन्होंने मुझे कैंपस प्लेसमेंट में जाने के लिए बोला कि मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा पैकेज मिलेगा। तो इस बात से भी वो शायद इम्प्रेस हुए हो। या डेफिनेटली। सो बहुत अच्छी रही एंड होप सो कि फ्यूचर आपकी और अच्छी हो एंड देन हम और भी स्टोरीज वीडियोज रिकॉर्ड करें आपके साथ कि फ्यूचर में और भी बच्चों को गाइडेंस मिलते रहे। या डेफिनेटली। कुछ एट द एंड ऑफ दिस सेशन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हो आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, कहना तो मैं ये पहले ये चीज चाहूंगी कि सबसे पहले डमी मत लो। सबसे पहला अगर मैं किसी को सजेशन दूंगी तो डमी मत लो। और जो भी आपने सीवी में लिखा है ना वो मतलब आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी किसी का देख लिया और कॉपी करके लिख लिया, ये मत करना। जितना है, क्योंकि मेरा भी सीवी में ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया था, ऐसा कुछ नहीं था। आपने तो देखा था मैं बहुत कम एक्सपीरियंस था, पर जो था वो मुझे बहुत अच्छे से आता था और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई थी। तो आपको मतलब मैं बच्चों को तो यही सजेशन दूंगी कि जो लिखो सही लिखो, सच लिखो, क्योंकि क्वेश्चंस 80% उसी से आने हैं। और बेसिक्स करके जाओ, ऐसा नहीं कि पूरा डीपली कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेस क्योंकि आपसे वहां पे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और डमी मत लो, ये तो मेरा फर्स्ट सजेशन ये रहेगा, क्योंकि मैंने कैंपस में बहुत लोग का देखा जो डमी लेके जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो डमी तो नहीं लेनी चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक्स पूजा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।